हेलो दोस्तों, मैं माला चटर्जी जी किचन में आपका स्वागत कर रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ ऑनियन और एग करी। ऑनियन एग करी बनाने के लिए मैंने देखिए ये 3 प्याज लिया है, सबूत प्याज लिया है और थोड़ा सा बेरस्ता प्याज को फाइन करके चॉप कर लिया है मैंने। ओके, एक टमाटर है और ये 4 अंडे लिए हैं मैंने और जिंजर गार्लिक पेस्ट है और यही सब है और आपको ले आ रही हूँ अभी तो दिखाने के लिए क्या क्या मैंने कर रही हूँ उसमें। पहले मैंने फ्राई कर लेना है, अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लेना है, इसको ये एग को। इसके लिए मैंने बैठा दिया है, कढ़ाइया बैठा दिया है, इसमें मैंने रिफाइंड ऑयल देना है थोड़ा सा। ओके, 2 चम्मच करीब ने मैंने रिफाइंड ऑयल दे दिया है। ओके, अब मैं इसको जरा तेज कर दूंगी। इसके लिए मैं इसको अंडे को पहले फ्राई कर लूंगी अच्छी तरह से, इसके बाद थोड़ा सा नमक छिड़क दूंगी। हल्दी और नमक लगा दिया है मैंने। देखिए नमक लगाने में से चिपकता नहीं है। अब मैं इसको फ्राई करके आ रही हूँ। ये देखिए मैंने सारे अंडे को तल लिए हैं। ओके, अब मैं इधर रख रही हूँ। अब मैं इसमें दूंगी घी। घी मैं दूंगी, ये घी दे रही हूँ मैं। तीन चम्मच करीब घी दे दिया है मैंने, बस। एक मिर्ची दिया मैंने और ये थोड़ा सा तेज पत्ता दिया। अब मैं इसमें प्याज डाल दे रही हूँ। थोड़ा सा नमक डालूंगी। जरा सा लाल हो जाए के बाद में आ रहे। अब मैं इसे दूंगी 1/2 चम्मच करीब जिंजर गार्लिक का पेस्ट। ये प्याज भी दे दूंगी, सबूत प्याज है ये। अब मैं इसमें दूंगी टमाटर, 2 चम्मच करीब टमाटर दे दूंगी। और हल्दी दूंगी, हल्दी दूंगी और ये हल्दी और ये लाल मिर्च का
पेस्ट बदल दीजिएगा। पेस्ट नहीं है ये, लाल मिर्च का पाउडर है। पाउडर मैंने घर में ही बनाया है। दो हरी मिर्च भी दूंगी मैं, साबुत दे दिया। और इसमें मैं थोड़ा सा ये दही दूंगी, एक चम्मच करीब दही दूंगी। अब इसको मैं कवर कर दूंगी। थोड़ा सा मैं धनिया पाउडर दूंगी, हाफ चम्मच करीब। कवर कर दूंगी। थोड़ा सा मेरा तीखा वाला मिर्ची पाउडर है, ये तीखा वाला मिर्ची पाउडर है, इसको दे दूंगी। थोड़ा सा गरम मसाला देंगे। थोड़ा सा मैं पानी इसमें दूंगी, जो दही वाला पानी था ना वही मैं इसमें देना चाहती हूँ। नमक डालूंगी, नमक कम है। इसमें अब इसको पकने के लिए मुझे पानी देना है। ये पक जाएगा उसके बाद मैं आऊंगी धनिया पत्ता, कसूरी मेथी वगैरह वगैरह सब देने। ये पक जाए, ये आलू का काम करेगा। चलिए ये हो गया। अब मेरा ये इसमें ये जाएगा अंडा। ओके, अब इसमें दूंगी मैं एक चम्मच, देखिए छोटी चम्मच से एक चम्मच कस्तूरी मेथी। और इसमें थोड़ा सा जाएगा धनिया पत्ता, थोड़ा सा उबल जाने दीजिए। ये मसाला भी इसके अंदर चला जाए। ये देखिए मेरा हो गया है कंप्लीट। अब मैं डिश आउट कर रही हूँ, गैस बंद कर दे रही हूँ और मैं अब इसे डिश आउट करूँगी।
अब मैं थोड़ा सा इसमें धनिया पत्ता दे दूंगी। ये है ऑनियन एक करी, देखिए ऑनियन एक करी, ऑनियन एक करी, ठीक है। अगले रेसिपी पे फिर ऑनियन एक करी। थोड़ा सा मैंने ग्रेवी रखा है, बहुत हल्का सा।